राजस्थान सरकार अब प्रवासी श्रमिकों को यहाँ से भेजने के लिए पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे ही हाईवे पर बस आ रही है, किस तरह से ये लोग बेताब हैं अपने घर तक पहुँचने के लिए। सबसे पहले सीट मिल जाए इनको, इनका यही कोशिश है। और ये सभी लोग हैं अपने अपने सामान लेके निकले हैं। कहाँ से आ रहे हो आप? जी सर, हम लोग आ रहे हैं इधर जयपुर से। अच्छा, जयपुर से कहाँ जाना, कहाँ है? झारखंड। झारखंड में यहाँ खुशी है घर जाने की इतने दिनों बाद, क्योंकि 2 महीने तक परेशान हो गए होंगे शायद। जी सर, परेशान तो हुए, लेकिन फिर भी यहाँ के जो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिल रही है, हाँ, उससे हम लोग बहुत खुशी है। खाना पीना सब मिला? जी सर, खाना पीना सब मिला था 2 महीने में। हाँ जी सर। तो आप घर क्यों जा रहे हो तो फिर? सर, कंपनी बंद हो रहा है, इसलिए हम लोग गाँव जा रहे हैं। कंपनी बंद हो रहा है? हाँ। क्या बोला मालिक ने? मालिक बोला कि कंपनी बंद होगा, आप लोग गाँव चला जाओ। आपको सब खाना पीना अगर सही मिल रहा था 2 महीने में, अभी जो लॉकडाउन था तब? खाना वाना सर नहीं मिल रहा था, सब मिल रहा था। तो क्यों गांव जाना चाह रहे हैं आप? सर, कंपनी से हम लोग निकल गया, पूरा आदमी हम लोग का टीम निकल गया, तो मैं अकेला हो जा रहा था सर, इसलिए बोरा कंपनी बोरा सील मार देंगे, ऐसा कर देंगे। तो बोले ठीक है, हम अकेले क्या करेंगे, तो बोले ठीक है, गाड़ी वाड़ी मिल जाएगी। तो अच्छा अच्छा हुआ, 2 दिन हम लोग के खाने के लिए मिला इधर, अच्छा से बस मिल गया, जाने के लिए ऐसा मिलता ही रहेगा तो हम लोग झारखंड जैसे पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत झारखंड जाना आपको? हाँ, इनको झारखंड जाना है। ये देख सकते हैं अपने घर से सभी लोग सामान लेके आए हैं, ये जितना भी सामान था, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। कहाँ जाना आपको? गोरखपुर जाना है मुझे। तो 2 महीने में सब कुछ यहाँ ठीक था या गड़बड़ हो गई थी? सब कुछ हो गया भाई साहब, किराया मकान मालिक किराया मांगने लग गया मुझसे, बोला हर हालत में किराया ले आर दे, फिर हम कहाँ से ले आते, मजदूरी भी नहीं चल रहा मेरा। तो क्या करते थे यहाँ पर? पहले ढकेल लगाते थे, ढकेल बेच दिए हमने। तो वहाँ जाके क्या करोगे? अपने घर पर रोटी टुकड़ा खाएंगे बना। भाई साहब आप भी परेशान थे, पूरा पूरा ऐसे सामान ले जा रहे हैं, वापस आना ही नहीं है, तय कर दिया? पूरा पहले बस आए थे, अब पूरे हम आए थे ढकेल बेचने के चक्कर में, हम यही के ही फंस गए। अब वापस नहीं आने का है? नहीं, जैसे हिसाब बैठे वैसे कर लेंगे। ये देखिए, कुछ और बस में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, परिवार के लोग भी हैं वहाँ सामने बैठे हैं, बस के इंतज़ार में बैठे हैं, जिसको जो जगह मिले, ये कोशिश इनकी यही है। मैं एमएलए साहब से बात करता हूँ कि जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी हैं, सर ये लगातार पैदल ही पैदल चलते जा रहे हैं, अब यहाँ पर इनकी बसों की व्यवस्था हुई है, क्या आपको लगता है कि ये लोग जो जा रहे हैं सही में इनको परेशान हो गए थे यहाँ, इसी के चलते जाने की मजबूरी आई है, या कुछ और कारण है? नहीं, कारण तो ये है कि जिस तरह से एकदम लॉकडाउन लगा दिया, इसमें सरकार की गलती रही है। भारत सरकार को ये करना चाहिए था, 5 दिन पहले अल्टीमेटम देते कि हम पूरे देश में लॉकडाउन करने वाले हैं, आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएं। आज इनको 2 महीने से जिस तरह की परेशानी हुई है, और वो हमने इनसे बात की है, तो एक बहुत मतलब वो असहनीय पीड़ा इन लोगों को हो रही है, और इनको खाने पीने किस तरह की व्यवस्थाएं जो आप जैसे भामाशाह सभी लोग कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, इस देश में लोग दया धर्म का बहुत पालन कर रहे हैं, पर इससे और कोई बुरी बात नहीं हो सकती। हमारे देश में करोड़ों लोग मजदूर बेरोजगार इस तरह परेशान है जिसकी कोई कल्पना नहीं। लेकिन जितने लोग जा रहे हैं उससे कई ज़्यादा लोग आ रहे हैं, अब उनका क्या होगा, कुछ आइडिया है? क्योंकि आप तो जनप्रतिनिधि भी हैं, सरकार तक बात पहुंचाने की क्षमता भी रखते हैं। सरकार तक बात लगातार पहुंचा रहे हैं, पर आज जो स्थिति में जो आम मजदूर गरीब आदमी डरा हुआ है, उस डर को निकालने के लिए पहले ये अपने घर जाना चाहते हैं, और जब घर जाने के बाद ये अपने आप को एक एस्टेब्लिश करेंगे, फिर इनका आत्मबल बढ़ेगा। आज पूरे देश में ये हालात हो रहा है कि भाई जान बची और लाखों पाए, तो इस तरह की स्थिति जब हो रही है, तो इस स्थिति में ये लोग अपने घर जाना चाहते हैं। जान बची हर आदमी को, देश के हर व्यक्ति को इसमें मदद करनी चाहिए, देश के हर व्यक्ति को मदद करनी चाहिए। देखिए, एक और परिवार यहाँ पर पूरे आ रहे हैं, ये देखो पूरा का पूरा परिवार है, हाथों में इनके बच्चे भी हैं, सामान भी हैं, मजबूरी समझी जा सकती है कि इनको कितनी दूरी है। कहाँ जाना है आपको? अंकल जी यूपी जाना है, जहाँ से यूपी जाना है। अब सब कुछ ठीक हो रहा है तो यूपी क्यों, घर क्यों जाना चाहते हैं? मतलब यहाँ नौकरी नहीं है, क्या चीज़ प्रॉब्लम है? सर परेशानी है, पैसे की परेशानी, पैसा कहाँ से आएगा, 2 महीने हो गए बैठे बैठे, अब आप कुछ साधन भी नहीं था, आप देखा कि आप भी परेशान हो गए थे इनके साथ यहाँ पर पूरे गली वगैरह में, पूरे रास्ते में आए ना, निकलते ही आए पैदल ही। सर पैदल कहाँ से आ रहे हैं? हम उधर से आ रहे हैं, जयपुर से। इतनी दूर से? हाँ पैदल पैदल आ रहे हैं सब जने एक साथ में हमारे।
कोई व्यवस्था नहीं थी, नहीं कुछ भी नहीं था, पैदल आया हम सब। और ये दो महीने मतलब आपको कुछ सरकार ने सहायता वहायता भी पहुंचाई थी, यहाँ खाना वाना जैसा बोल रहे थे? कुछ भी नहीं भेजी, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं भेजा। रूम वाले ना भगा दिया, रूम वाले किराया मांग रहा है, इसलिए जा रहे हैं। बोला नहीं सरकार ने, बोला है पैसे मत लीजिए थोड़े दिन? हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो किराया चाहिए बस। तो आप वापस आने का इरादा है आप लोगों का, या आपको लगता है घर परिवार के साथ जहाँ जा रहे हैं वहीं ठीक? नहीं सर, अब तो घर ही जाएंगे तो घर पे ही रहेंगे, इधर कुछ काम वाम भी नहीं है अब तो, इसलिए पूरा सामान लेके ही आ रहे हैं। ठीक है, देखिए ये पूरा का पूरा एक परिवार है, अब अपने घर लौटने को तैयार है, क्योंकि मकान मालिक ने भी किराया जबरदस्ती वसूल रहे हैं। मैं फिर से MLA साहब से बात करता हूँ। सर एक बात बताइए सर, इनसे सरकार ने बोला है कि कोई भी मानवता के हिसाब से किराया न वसूले, मकान मालिक कह रहे हैं कि किराया दो नहीं तो खाली कर दो, ये लोग बेचारे उसी मुसीबत से बाहर निकले हैं, क्या आप सरकार तक ये बात रखेंगे कि अभी भी कुछ मकान मालिक हैं जो जबरदस्ती इनको? मामले में पूरी तरह संवेदनशील है और इस तरह की व्यवस्थाएं कर रही है, पर अब देश बहुत बड़ा है, प्रदेश बहुत बड़ा है, हर आदमी की समस्या अगर आ रही है तो उस बात को हम सुलझा रहे हैं और मकान मालिकों से बात कर रहे हैं कि भाई इस तरह की ज्यादति नहीं करें, ये मानवता के लिए ये अच्छी बात नहीं है कि अगर दो महीने तीन महीने का किराया कोई आदमी छोड़ देता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, और लोग छोड़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, लोग मान भी रहे हैं इस बात को, पर अब किसी के साथ हुई है तो वो बात की हम जानकारी लेंगे, सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे, आश्वासन भी दिया। देखिए मैं आपको अभी एक बस के बारे में बता दूँ, ये बस है जो इनको इनके घर तक ले जाएगी, ये पूरी बस है यहाँ पर, यहाँ पर ये लोग जहाँ मिली जगह घर जाने की खुशी है? कितने दिन से परेशान हो रहे थे घर जाने? तीन चार दिन से पैदल वैदल भी चल के आए बहुत दूर से? आए कितनी दूर? मेला से आ गए थे पैदल। ये देखिए ये पूरा बस है, ये लोग बैठे हैं जहाँ जगह मिली है, यहाँ पर आप सोशल डिस्टेंसिंग की उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि चेहरे पर केवल एक खुशी है, घर जा रहे हैं हम, बस भी मिल गई है, अब इन्हें UP बॉर्डर तक छोड़ दिया जाएगा, वहाँ से आगे अपना आगे का सफ़र तय करेंगे। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।